ये कैसा निर्णय ले लिया तुमने पुत्री? ऐसा अनर्थ ना करो सीता, ऐसा अनर्थ ना करो। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। रघुनंदन का प्रस्ताव मैंने इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि अब मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती। पुत्री, तुम्हारे साथ जो हुआ वो सर्वथा अनुचित था। निश्चय ही तुम्हारे साथ हुए अन्याय का दोषी मात्र राम नहीं, हम माताएं भी हैं। क्योंकि अयोध्या में हमारे होते हुए इतना बड़ा अनर्थ घटित हुआ। सीता, मैं जानती हूं 12 वर्षों में तुमने बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट सहन किया है और उसके ही दुख से तुम इतनी कठोर हो गई हो। परंतु पुत्री, अपने पुत्र लव और कुश के बारे में भी तो सोचो। इतने लंबे अंतराल के पश्चात उन दोनों को परिवार की प्राप्ति हुई है। इसलिए पुत्री, अपने निर्णय पे पुनः विचार करो, अयोध्या लौट चलो सीता। माता, मैंने सदैव यही चाहा है, ये लव कुश को अपना परिवार, आप सभी का प्रेम और स्नेह मिले। इसलिए लव कुश का अपने कुल वापस लौट जाना ही उचित है। किंतु मेरा अयोध्या वापस जाना संभव नहीं होगा। देखो सीता, व्यक्ति के जीवन में भूल होना स्वाभाविक है, मुझसे भी भूल हुई थी। मैंने राम को वनवास दे दिया और राम ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की सीता, तुम्हारा परित्याग करके। किंतु सीता, तुम उस भूल को पुनः मत दोहराओ। सीता, अपने राम को क्षमा कर दो, अपनी माताओं को क्षमा कर दो, अयोध्या की प्रजा को क्षमा कर दो पुत्री, नहीं तो हम संपूर्ण जीवन अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे सीता। नहीं माता, आप ऐसा मत कहिए। मुझे किसी प्रकार का दुख और आप सबके प्रति कोई द्वेष नहीं है। जो मेरे साथ घटित हुआ उसे मैंने अपनी नियति समझकर स्वीकार कर लिया था। किंतु माता, मेरी आपसे एक विनती कि आप मुझे अयोध्या वापस लौटने के लिए विवश ना करें, अन्यथा अज्ञातवास के अतिरिक्त मेरे जीवन में और कोई विकल्प नहीं बचेगा।
उस भूल को पुनः मत दोहराओ। सीता अपने राम को क्षमा कर। मेरी बात सुन लीजिए आप, मुझे आपका हर निर्णय स्वीकार है। आप जो कहेंगे जो करेंगे मुझे सब मान्य है सीता। मैं जानता हूं सीता, आपकी अंतरात्मा आहत है, जो दुख मैंने आपको पहुंचा है उनका प्रायश्चित मैं इस जीवन में तो नहीं कर पाऊंगा सीता। मैंने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, मैं जानता हूं आपके निश्चल प्रेम का अपमान किया। मैंने आपके विश्वास को खंडित किया है। आपने जो मेरे लिए त्याग किए, जो कष्ट सहे मेरे लिए, उन सब का अपमान किया है मैंने सीते। मेरे प्रति सच्चे सच्चे समर्पण सच्ची आस्था का अपमान किया है। अपराधों का आप मुझे जो दंड देंगी मुझे स्वीकार है, किंतु मेरे अपराधों का दंड आप अयोध्या को मत दीजिए सीते। माताओं को मत दीजिए, अपनी तीनों बहनों से स्वयं को दूर मत करिए सीते, समस्त परिवार को इसका दंड मत दीजिए। मैं तो बहुत सी अपेक्षाएं और प्रार्थना लेकर आपको लेने आए, और यदि आज आप मेरे साथ नहीं लौटे तो इतना अवश्य ज्ञात है मुझे सीते, उन सब का जीवन भी उसी भाव शून्यता में खो जाएगा जिस प्रकार मेरा जीवन आपके बिना सीखे।